गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो वी डिस्कस मौर्य डायनेस्टी, टुडे वी विल डिस्कस नेक्स्ट डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी। लास्ट मौर्य रूलर बृहदत्त किल्ड बाय प्राइम कमांडर पुष्यमित्र शुंग and founded a new dynasty in India, Shunga dynasty. Pushyamitra Shunga, founder of this dynasty, he ruled start in 185 AD to 131 AD. He performed 2 times Ashwamedh Yag, and Ashwamedh Yag prime priest of Panchali, and last Shunga dynasty continued rule. Unsuccessful ruler or last ruler, this dynasty, Devuti. तो स्टार्ट से हम फिर से देखते हैं शुंग डायनेस्टी। सबसे पहले इसका फाउंडर कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। इसने शासन स्टार्ट कब से किया था? 185 से किया था, ठीक है। और इसके बाद में इसने रेगुलरली जो शासन है वो किया, कब तक है? सॉरी 151 तक किया था, ठीक है। और इसके बाद में जो रूलर हुए वो अनेबल थे, अयोग्य थे। और उसके बाद में लास्ट जो रूलर देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? वो हमें देखने को मिलता है देवभूति। कौन सा? देवभूति देखने को मिलता है, जिसको किसके माध्यम से? जिसको जो वासुदेव है उसके माध्यम से हटा दिया जाता है, ठीक है। और एट लास्ट हमें एक फिर से नई डायनेस्टी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। और जो इसका प्रधान जो पुरोहित था वो कौन था? पंचाली था, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी, सिमुक, फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी सिमुक। इस डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो किसको माना गया है? सिमुक को माना गया है। और इसका जो क्षेत्र था, जो एरिया था, वो कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था? वो था गोदावरी, सॉरी बैंक ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा वैली, बैंक ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वैली। ठीक है, जो मुहाना किनारा या फिर घाटी जिसको हम कह सकते हैं, कौन कौन सी रिवर के मध्य है? जो गोदावरी और कृष्णा है इनके मध्य का जो पार्ट है उसमें इसने जो साम्राज्य वो एस्टैब्लिश किया, और वो आंध्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से, आंध्रा के नाम से भी ये क्षेत्र जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इसने कंटिन्यू रूल शासन किया कब तक? 60 AD, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, सॉरी 60 AD से इसने शासन स्टार्ट किया और 37 तक इसने शासन किया था, ठीक है। इसके बाद में इसके तो नेक्स्ट रूलर की बात करें तो हमें देखने को मिलता सतकर्णी फर्स्ट। सतकर्णी फर्स्ट वाज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। मतलब इस डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल रूलर था वो कौन था? सतकर्णी फर्स्ट था, ठीक है। और ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ, और इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इसके अलावा इसके बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है?
इसने जो अपना जो साम्राज्य है, इसने जो अपना जो एम्पायर है उसको फैलाया कौन से पार्ट में? साउथर्न पार्ट में, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ और कंप्लीटली जो साम्राज्य उसको फैला दिया था कहां तक? दक्षिणी भारत तक, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, ही मेड हिज कैपिटल प्रतिष्ठान, ही मेड हिज कैपिटल प्रतिष्ठान, इसने अपनी राजधानी बनाई किसको? प्रतिष्ठान को बनाई, ठीक है, तो मॉडर्न पैठन के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमें रूलर देखने को मिलता है वशिष्ठ पुत्र पुलुमानी, ही मैरिड टू डॉटर रुद्रदामन फर्स्ट, ठीक है, मेराइल जो अलायंस जो संधि इसने जो रेगुलरली इन्होंने संघर्ष किया किन के साथ में? शकों के साथ में, और जो शक रूलर था जिसका नाम था रुद्रदामन उसकी जो पुत्री थी उसके साथ में वैवाहिक रिलेशन स्थापित किए और इस जो इनिमिटी को इसने कुछ समय के लिए रोक दिया था, किसने? वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी जो नेक्स्ट रूलर बनता है, ठीक है। इसके बाद में 23rd रूलर है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, गौतमी पुत्र सत्कर्णी, 23rd रूलर गौतमी पुत्र सत्कर्णी, क्रश द वेस्टर्न शक सत्रप, उसने भी रोका था किसको? पश्चिमी जो शक सत्रप थे। 23rd रूलर गौतमी पुत्र सत्कर्णी, क्रश द वेस्टर्न शक सत्रप, मतलब इसने भी पश्चिमी जो शक सत्रप थे उनको रोकने का इसने कार्य किया। इसके बाद में नेक्स्ट जो रूलर आपको ध्यान में रखना है 27th रूलर यज्ञश्री, यज्ञश्री नेक्स्ट रूलर यज्ञश्री, ही री अगेन ऑक्यूपाइड द उज्जैन एरिया, इसने वापस से पुनर्अधिकार कर लिया था किन क्षेत्रों पर? जो उज्जैन के क्षेत्र थे उन पर, ठीक है। और एट लास्ट एक छोटी सी इवेंट है जो इसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, जो कार्लियोपचित है वो इसका बेस्ट जो एग्जांपल है वो माना जाता है किसका? आर्किटेक्चरल स्टाइल का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक देखेंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक्स। गुड मॉर्निंग बच्चों, आर्म इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास में मैं मोनिका जोशी आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि मेरी पिछली कक्षा में मैंने सेनापति के जो पद थे उन्हें संपूर्ण पूरे करे हैं और आगे के कर्म में आज हम चलते हैं देवकवि, जो हमारे 4 नंबर का पाठ है, 4 नंबर का पाठ है देवकवि। आज हम उनके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देवकवि का पहले जीवन परिचय कि देवकवि जो थे वो रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। जैसे भी बिहारी जी रीतिकाल के हैं, देवकवि है तो ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव का जो जन्म है 1675 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में, उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ माना जाता है। और इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव का जन्म 1675 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा नगर में हुआ माना जाता है। इनके पिता का नाम बिहारी लाल दुबे था। देव जो थे उनके गुरु का नाम हित हरिवंश थे, इनके गुरु का नाम हित हरिवंश था। यह इन्हें मथुरा वृंदावन में मिले थे, यह इन्हें मथुरा वृंदावन में मिले थे। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों की भांति इन्होंने भी यह भी दरबारी कवि रहे, अर्थात एक राजा के दरबार में ही ये कवि रहे थे। इन्होंने कृष्ण के स्तुति की और कृष्ण के दरबार में ये रहे। इन्हें दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेदिक और तंत्र विद्या आदि विषयों का इन्हें ज्ञान था, अर्थात ज्योतिष का भी इनको ज्ञान था। फिर अपन इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं,
वह ऐसे तो 62 मानी जाती है 62, परंतु जो प्रचलित चली आ रही है वो केवल 15 ग्रंथ ही माने जाते हैं। तो 15 ग्रंथ में इनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है उनके नाम यहाँ दिए गए हैं और ये याद भी करने हैं। एक है भाव विलास, अष्टयाम भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, जाति विलास, जेव चरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुख सागर, तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। इन्होंने संस्कृत भाषा का भी अधिक प्रयोग किया। वैसे इनके काव्यांश की जो भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है। इन्होंने अलंकारों में अधिक से अधिक अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया और ये जो है अच्छे एक आचार्य भी माने जाते हैं। थैंक यू बच्चों, आगे के कर्म में हम देव कवि के पदों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स ऑनलाइन क्लासेस। मैं सैयद नईम हुसैन फ्रॉम AR स्कूल। आज जैसे हमारा जो सबक चल रहा था, सबक ये वक्त और इसके मुसन्निफ, जैसे आपको पता है डिप्टी नज़ीर अहमद इसके मुसन्निफ हैं। इस सबक की कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैंने पिछले दो दिन के वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दी है। जैसे इस सबक में शुरुआत कैसे होती है और इसमें मुसन्निफ क्या बात करता है, फरागत के बारे में भी आया था, वक्त की बेसबाती के बारे में भी आया था और वक्त की जो स्पीड है उसके बारे में भी आया था, और वक्त को अगर अच्छे कामों में खर्च किया जाए उसका क्या नतीजा मिलता है उसके बारे में बताया, और वक्त को अगर बुरे कामों में खर्च किया जाए तो उसका क्या नतीजा है, ये सारी बातें अपन ने पिछले दोनों तीनों वीडियो में डिस्कस की थी। आज हम इस सबक के सवालात और जवाबात के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला सवाल ये है, दुनिया में किसकी तलाफी नहीं है? तो जवाब, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि दुनिया में हर चीज की तलाफी है। तलाफी के मायने होते हैं नुकसान की भरपाई। तो सवाल का जवाब किस तरीके से होगा, दुनिया में वक्त की तलाफी मुमकिन नहीं है। दुनिया में हर चीज की तलाफी मुमकिन है लेकिन वक्त की तलाफी मुमकिन नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि सबक वक्त के मुसन्निफ का क्या नाम है? तो इसको जवाब हम किस तरीके से लिखेंगे, सबक वक्त के मुसन्निफ का नाम, मुसन्निफ का नाम कौन है? पहले बताया, दोबारा बता रहा हूं, डिप्टी नज़ीर अहमद। ये ध्यान रखना, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में एक बात और ध्यान रखना, सवाल आ जाए कि उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद। अगला सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? तो स्टूडेंट्स इस सवाल में गौर कीजिए, दो WH वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, दो सवाल पूछे गए हैं, एक तो है कब और एक कहाँ। तो कब के अंदर आपको समय के बारे में, उस सन के बारे में बताना है जब वो पैदा हुए। कहाँ में आपको वो जगह बतानी है जहां वो पैदा हुए। तो जवाब किस तरीके से लिखेंगे, तो जवाब इस तरीके से होगा, डिप्टी नज़ीर अहमद कब के नीचे अपन लिख देंगे, कब पैदा हुए, 1836 में, कहां कहां के अंदर हम लिखेंगे, जिला बिजनौर में पैदा हुए, में पैदा हुए। तो डिप्टी नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, डिप्टी नज़ीर अहमद 1836 में जिला बिजनौर में पैदा हुए। ये सवाल आ सकते हैं और यही आते हैं, 90% आपके एग्जाम के अंदर वही सवाल होंगे जो आपके सबक के पीछे दे रखे हैं। सबक जब एंड होता है तो मैंने ये जो चार सवाल लिखे हैं ये डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ सबक है, वक्त जब एंड हो रहा है उसके लास्ट में ये सवाल दे रखे हैं, तो यही सवाल एग्जाम में आते हैं। अगला ये है, वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? तो जवाब ये है कि वक्त को, जो मैंने कल आपको हाईलाइट की थी बात, वक्त को अच्छे शगल
अच्छे और अच्छे कामों में खर्चे करना चाहिए जिससे के आदमी लायक और हुनरमंद बन सके। ये जवाब होगा स्टूडेंट्स। आप वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ये सवाल का जवाब आ सकता है कि वक्त को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका जवाब ये है, वक्त को अच्छे शुगल अच्छे कामों में खर्च करना चाहिए जिससे आदमी क्या बन सके, लायक और हुनरमंद बन सके। तो ये आपके चार सवाल थे जो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। बाकी के तीन चार सवाल और बच रहे हैं, वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। मैं राम स्वरूप सैनी आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी की हमारी बात चल रही थी। समांतर श्रेणी में हम पद ज्ञात करने वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन हल कर रहे थे, तो आज थोड़ा उससे अलग कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो विद्यार्थियों, 4 के गुणज देखना है 10 से लेकर 250 के बीच में। तो विद्यार्थियों, 10 और 250 में 10 के पास में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है? तो 10 11 में 4 का भाग जाता नहीं है, किसमें जाता है? 12 में जाता है। तो 12 हो गया, 4 के गुणज कौन सा है? 12 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है? तो 12 के बाद में क्या हो गया? 16 हो गया। 16 के बाद में क्या हो गया? 20 हो गया। डैश डैश डैश, अब लास्ट क्या है? 250। पहले तो देखो 250 में 4 का भाग जाता है क्या? 250 में 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो 250 में एक कम कर दिया 249, तो 249 में 4 का नहीं जा रहा है। फिर क्या किया? 248, 248 में 4 का भाग जाता है क्या? तो 248 में 4 का भाग जाता है, तो लिख देते हैं 248। ठीक है, अब ये श्रेणी हो गई, एक समांतर श्रेणी हो गई, ये A1 A2 A3 और डैश डैश बीच में हमें पता नहीं है। लास्ट का जो दे रखा है 248 दे रखा है और आपको कह रहा है कितने गुणज है, मतलब एन ज्ञात करनी। तो पहले तो हम लिखेंगे प्रथम पद कितना है, 12 आ गया। उसके बाद में डी निकालेंगे। विद्यार्थियों, डी कैसे निकलता है? ए टू में से ए वन माइनस करो, 16 में से माइनस 12 कर दिया तो कितने हो गए? 4 आ गया। ए एन हमें प्रश्न में दे रखा है, ए एन 248 हो गया। एन हमारे पास है नहीं, तो एन हम ज्ञात करेंगे, यहां लिख देंगे एन बराबर, यह हमें ज्ञात कर, ए एन का फॉर्मूला लिख दो विद्यार्थियों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। अब इस फॉर्मूले में हमें जो जो संख्या दे रखी है वो लिखनी है। ए एन ज्ञात करना है, ज्ञात करना नहीं है, एन ज्ञात करना है। तो देखेंगे कि ए एन दिया हुआ है, तो ए एन हमें दिया हुआ है कितना, लिख देंगे 248 बराबर का बराबर। ए चाहिए, ए है कितना हमारे पास? 12 है प्लस है। एन चाहिए, एन कितना है? एन हमें ज्ञात करना है, तो क्या लिखोगे? एन का एन माइनस एक गुणा डी चाहिए। 16 में से माइनस 12 किया तो ये डी आ गया 4। यहां क्या लिख देंगे? डी आ गया आपके पास 4। ठीक है विद्यार्थी, अब उसके बाद में 248 बराबर 12 का 12 प्लस 4 को एन से गुणा किया तो क्या हो गया? 4 एन प्लस माइनस माइनस 4 को एक से गुणा किया 4। ठीक है, उसके बाद में आपका प्लस 4 एन इधर चला जाएगा, मतलब पक्षांतर कर देंगे हम, प्लस 4 एन इधर आया तो किसका हो गया? माइनस के 4 एन, 12 माइनस 4 है, ये प्लस का 12 है, ये माइनस के 4 है, 12 में से माइनस 4 गए तो कितने हो गए? प्लस के 8 हो गए। अब 248 को पक्षांतर किया तो ये किसका हो गया? माइनस के 248 हो गए,
उसके बाद में माइनस के चार एन बराबर आठ में से माइनस 248 गए तो कितने बचे, तो ये माइनस का है इधर वाला प्लस का, तो बड़ी संख्या माइनस 248 है तो निशान तो किसका आ जाएगा, माइनस का, तो माइनस के कितने आ गए 240, ये माइनस प्लस हो गया। अब आपका ये एन तो यहां रह जाएगा, 240 में किसका भाग लग जाएगा, चार का भाग लग गया, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, चार छिक है 24। तो इस 10 से लेकर 250 के बीच में चार के गुणज कितने हैं, 60 है, ये एन बराबर हमारे पास क्या आ गया, 60 है। तो विद्यार्थियों ये तो क्वेश्चन ये हुआ, कल हम समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद।